हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के लिए लेके आया हूं दोस्तों बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को कच्चा प्रॉफिट दे सकते हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली अभी डाउनफॉल चल रहा है, मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये कंटिन्यूसली गिरावट अब कब तक रहती है, ये आप लोगों को अभी कोई समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी बेस पे जो भी मार्केट अपडेट रहता है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम है उसमें भी प्रोवाइड करता हूँ। जिन वहाँ पर कुछ इंट्राडे की कुछ खास टिप्स रहती है वो भी हम वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम है उसमें ऐड हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आज का सबसे पहले मार्केट अपडेट दे देता हूँ। आज देखिए मार्केट कितना ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। आज भी लगभग एक घंटे का लोअर सर्किट लगा था मार्केट में, एक घंटा ट्रेडिंग बंद हुआ था दोस्तों। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो पैनिक हो रहे होंगे, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था मार्केट में जो पॉजिटिव था, 50 स्टॉक ऐसे थे पूरे के पूरे जो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला। ठीक है, तो आप मार्केट में वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ आप देख सकते हो जैसे कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा माल बेचा जा रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो अपने लिए इंट्राडे के बेस्ट दो स्टॉक उनके ऊपर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमने पहला जो स्टॉक लिया है वो बैंकिंग सेक्टर से ही, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 30% की गिरावट पूरी तरीके से इसमें देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, तो इसी बेस पे मार्केट में देखिए कितना गिरावट देखने मिल रहा है। बाकी भी चीज़ें मार्केट में काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, जो सिचुएशन आ रही है मार्केट में काफ़ी पैनिक सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसका करेंट मार्केट प्राइस जो बंद हुआ, प्रीवियस क्लोज देखिए, देन उसका गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ से हाई लेवल देखिए, देन उसने लो लगाया 52 बिक का, आज लो लगा दिया। ठीक है, वहीं पर अगर दोस्तों अपन इसी बेस पर अगर देखते हैं कि मार्केट में जो ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में दिख रहा है वो लगभग 3,76,00,000 के समथिंग का दिख रहा है। इसमें ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेग चेक कर सकते हो, करीबन 1,25,00,000 के समथिंग का दिख रहा है। अब इसकी डिलीवरी पैटर्न समझते हैं। डिलीवरी पैटर्न में आप देख सकते हो इतने गिरते हुए मार्केट में भी ट्रेडर्स अभी भी मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,00,00,000 के समथिंग का यहाँ पर आप लोगों को डिलीवरी पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इसके चार्ट पैटर्न पर समझते हैं अपने को क्या मोमेंटम मिल सकता है कल के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो चार्ट में कंटिन्यूसली कितना गिरावट देखने मिल रहा है, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट देखने मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट में गिरावट देखने मिली, उसी प्रकार से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जिस प्रकार का आज का इसका परफॉर्मेंस रहा था, चार्ट में कंटिन्यूसली गिरावट। ठीक है, कहीं कहीं जगह थोड़ा सा अच्छी बाइंग आई थी मार्केट में, इसमें वापस रिकवरी हुआ, लेकिन स्टॉक में जिस प्रकार से वॉल्यूम था, जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, और इसमें भी सेलिंग प्रेशर के साथ काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कल की डेट में देखोगे तो ये अप एंड डाउन का ही मोमेंटम दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये अप साइड जाके बंद हुआ। तो देखते हैं कि कल के डेट में दोस्तों अगर अपने को जो चार्ट पैटर्न पर समझ में आ रहा है, ठीक है, उस चार्ट पैटर्न के अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है। ठीक है, अगर हो सकता है दोस्तों कि कंटिन्यूसली ये गिरावट रह सकती है, ठीक है, तो अपन इसका टारगेट और स्टॉप लॉस समझते क्या रह सकता है अपने लिए। तो दोस्तों कल की डेट में भी अगर मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी डबल से अपने को मार्केट में गिरते दिख सकता है। तो प्री मार्केट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये दोस्तों लेवल जो बता रहा हूँ, ये 300 के लेवल से इसे सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर टारगेट की मैं बात करूँ मोमेंटम के हिसाब से तो 280 का टारगेट लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो 310 मतलब 10 रुपये का आप प्रॉपर लेवल चेक करके अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसे क्वांटिटी मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर स्टॉक में टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है, देन आप लोगों के हिसाब से भी पहले रिसर्च कर ले, देन उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें। आप सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो सेकेंड स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया मैंने, जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। इसमें आज का गिरावट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 15% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज देखिए, गैप डाउन ओपनिंग, हाई लेवल और जो इसका लो प्राइस है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ट्रेड नहीं, लगभग 24,00,000 का ट्रेड वॉल्यूम रहा था नंबर ऑफ शेयर में।
ट्रेड वॉल्यूम नंबर आप लेक में चेक कर सकते हो, करीबन यहाँ पर 400,000 के समथिंग का ही रहा था। ठीक है, इसकी भी डिलीवरी पैटर्न चेक कर सकते हो, डिलीवरी पैटर्न एक शानदार देखने मिल रही है, छोटा सा स्टॉक है, करीबन 818,000 के समथिंग का दिख रहा है। अब इसमें भी अपन चार्ट पैटर्न पर समझते हैं, अपने को चार्ट पैटर्न पर क्या मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पर चार्ट पे भी देख सकते हो, इसमें वन साइडेड ट्रेड नहीं हुआ, तो दोस्तों ठीक है, आप लोगों को जिस प्रकार से चार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग हुई, अच्छा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो दोनों पोजीशन पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड इस जोन में हो रहा था, ऐसे फिर स्टॉक में ऐसे मोमेंटम, तो ये जो ट्रेड बनता है ये एक ओ मतलब जो यू बोलते हैं उसके हिसाब से ट्रेड हो रहा था, ठीक है, कि यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन मार्केट में बन सकती। तो जो इस पोजीशन पे देख रहे हो दोस्तों आप, ठीक है, जो आखिरी पोजीशन देखिए, आखिरी पॉइंट व्यू में काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसने लोअर प्राइस लगा दिया था, वहीं पर इसने 52 वीक का भी अपना आज का जो लो था वो ब्रेक करके नया 52 वीक का लो बनाया। अब ये स्टॉक छोटा सा है तो अपन इसमें छोटे टारगेट के लिए चलेंगे, जो प्री मार्केट में अगर इसका गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर मैं बात करता हूँ 182 के प्राइस से इसको सेल कर सकते हो, लगभग 178 का टारगेट ले सकते हो। इसमें अप एंड डाउन ज़्यादा होता है तो अपन स्टॉप लॉस भी अपना 1:1 का रखेंगे, लगभग आप इसमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैंने जो मेरे रिसर्च हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये शेयर सजेस्ट करें दोनों इंट्राडे के लिए, ठीक है, जिस भी हिसाब से आप लोगों को ट्रेड मेंटेन करना है, क्वांटिटी मेंटेन करना है, देन इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना है, वो आप लोगों के ऊपर है। देन आप लोगों के जो भी ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उनसे भी कंसल्ट कर ले, देन इसके बाद ही इसमें पोजिशन बना के एक अच्छा काम करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूं दोस्तों। थैंक यू।